దేశంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం బడ్జెట్లో కొత్త స్కీమ్ తెచ్చామన్నారు కేంద్ర మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియ. ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలు రాబోయే ఐదేళ్లలో కోటి మంది యువతకు ఇంటర్న్షిప్లు అందిస్తాయన్నారు. ఇంటర్న్షిప్లో యువతకు నెలకు 5,000 రూపాయలు అందిస్తాయన్నారు. 4,10,00,000 మంది నిరుద్యోగులకు ఉపాధి, నైపుణ్యం, ఇతర అవకాశాలు అందిస్తామన్నారు. स्किल डेवलपमेंट के लिए लाई गई स्किलिंग आज के देश की रिक्वायरमेंट है और इस स्किलिंग करने के लिए आज देश में हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई चलाई जाती है. देखो एक बार हम कहते हैं बात करते कि एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, दूसरी बार दूसरी जगह पे आज नेशनल सर्विस पोर्टल पर जाके आप देखो कितनी नौकरियां ओपन हुई है, कितने जॉब देने वाले लोग ये प्लेटफॉर्म पर आके बोल रहे हैं कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग चाहिए, मुझे ऑटो गैरेज में लोग चाहिए, मुझे मेरे मकान बनाना है, मिस्त्री नहीं मिल रहा है, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, ये सब स्किल वाले लोगों का काम है. लेकिन ऐसी स्किलिंग नहीं होने से कई लोगों को रोजगारी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए उसका स्किलिंग करने के लिए देश में हब एंड स्पोक, हब और स्पोक के मॉडल से एक आईटीआई को हब बनाई जाएगी और एक क्षेत्र के क्लस्टर का अध्ययन करा जाएगा.